बहुत 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 धन्यवाद सबको, जय श्री राम। और ओम जी ने जब हम लोगों को ये एक अवसर दिया कि बच्चों को भी हमें शामिल करना चाहिए, तो मैंने बड़े उत्साह से इसमें अपना योगदान देना चाहा। और सबसे पहला ये जो विचार आया चित्रकथा प्रस्तुत करने का, ये एक्चुअली शिवांग को ही ध्यान में रख के आया, क्योंकि शिवांग को मैं शिवांग अभी क्लास 11th का स्टूडेंट है और काफ़ी पहले से मैं इसे देख रहा हूँ, 5-6 साल हो गए हैं देखते हुए, कि ये काफ़ी अच्छी स्केचेस बनाता था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सोचा कि शिवांग को ध्यान में रख के ये इवेंट हम लोग ने डिज़ाइन किया, तो उम्मीद है आपको उसके बनाए हुए स्केचेस पसंद आएंगे। तो इसमें कुछ हम लोगों ने इस इवेंट को इस तरह से प्लान किया है कि एक हमने PPT बनाया हुआ है, उसमें स्केचेस के माध्यम से राम केवट प्रसंग को हम लोग एक्सप्लेन, मतलब शिवांग कोशिश करेगा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी उसकी प्रस्तुति भी और उसके स्केचेस भी। शिवांग आप प्रारंभ करें। जी, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमस्कार, मैं शिवांग भारद्वाज आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आप सबके समक्ष अपने इष्ट प्रभु श्री राम के जीवन गाथा के इस छोटे से प्रसंग पर अपने विचार रखने का यह स्वर्ण अवसर प्रदान हुआ है। आज हम श्री रामचरितमानस के केवट संवाद पर विचार विमर्श करेंगे और मैं अपने विचार इस संवाद पर रखूंगा। तो केवट संवाद में दो मुख्य पात्र हैं, श्री राम और केवट। अब श्री राम के बारे में तो हम सब भलीभांति जानते हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, और श्री राम के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए धृष्टता होगी और सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगी। और दूसरा चरित्र है केवट का। अब केवट के चरित्र को समझने के लिए आइए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो सतयुग में क्षीर सागर में एक कछुआ निवास किया करता था, वही क्षीर सागर जहां पे भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन किया करते थे। अब कछुआ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो कछुए के मन में एक बार एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भगवान विष्णु की चरण वंदना करनी चाहिए, उनके पैर छूके आने चाहिए। अब उसके मन में इच्छा प्रकट हुई तो उसने इसका उस इच्छा को पूरा करने के लिए वह बहुत ज्यादा दिन तैर कर खूब लंबा सफर तय कर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। अब भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो वह भगवान विष्णु के पैरों की तरफ बढ़ा। अब भगवान विष्णु के पैरों के पास, हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठ के और उनकी सेवा कर रही होती हैं। जब माता लक्ष्मी ने कछुए को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये कछुआ अवश्य ही भगवान विष्णु को काटने को आ रहा है, तो माता लक्ष्मी ने कछुए को देखकर उसको भगा दिया, उसे धुतकार दिया। अब धुतकारे जाने पर कछुआ तब भी निराश नहीं हुआ, वह भगवान विष्णु के सिरहाने की तरफ बढ़ा। जब वह भगवान विष्णु के सिरहाने की तरफ बढ़ा तो उसे शेषनाग ने देख लिया। अब शेषनाग ने भी यही सोचा जो माता लक्ष्मी ने सोचा, कि कछुआ जरूर भगवान विष्णु को काटने को आ रहा है। तो शेषनाग ने भी कछुए को देखकर उसे भगा दिया। अब दो बार भगाए जाने पर और अपनी इच्छा ना पूरे होने पर कछुआ थोड़ा निराश हो गया, परंतु कछुए ने हिम्मत ना हारी। कछुए ने कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु का खूब जप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु ने कछुए से एक वर मांगने को कहा। तो कछुए ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, आपकी चरण वंदना कर पाऊं, आपके पैर छू पाऊं। भगवान,
यह सुनकर भगवान विष्णु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे बोले, हे वत्स, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी, परंतु तुम्हें इस इच्छा को पूरी करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तुम्हारी ये इच्छा त्रेता युग में पूरी हुई, जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा। अब त्रेता युग आ चुका है, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है, माता सीता ने जानकी जी के रूप में जन्म लिया है, और भ्राता लक्ष्मण ने शेषनाग के रूप में जन्म लिया है। तो भगवान राम का वनवास हो चुका है और भगवान राम वन की ओर बढ़ रहे हैं। कछुए का भी नया जन्म हुआ है एक केवट के रूप में। तो जब केवट को पता चलता है कि भगवान राम श्रृंगवेरपुर पहुंच चुके हैं और जल्द ही वे गंगा तट पर पहुंचने वाले हैं, तो केवट सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भगवान राम के पैर छूने की, उनकी चरण वंदना करने की इच्छा पूरी हो पाए। तो बहुत सोचने के बाद केवट को याद आया, उसे याद आया कि उसने श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज से एक वर मांगा था। आज केवट निषाद राज की सभा में जा रहा है वही वर को लेने के लिए। केवट निषाद राज की सभा में पहुंचता है और कहता है, हे राजन, जिस वर को आपने मुझे बहुत समय पहले दिया था, आज वह वर मैं आपसे मांगने आया हूं। निषाद राज कहते हैं, बोलो केवट, क्या वर मांगते हो? केवट कहता है, अरे साथे राजन, आज मैं आपसे वर मांगने आया हूं। क्या हो गया? जिस दिन भगवान राम गंगा तट पर पहुंचे, उस दिन पूरे तट पर सिर्फ एक ही नाव होनी चाहिए, जो कि है मेरी नाव। आज वह दिन आ चुका है, भगवान राम गंगा तट पर पहुंच चुके। वे तट पर पहुंचकर देखते हैं कि पूरे तट पर सिर्फ एक नाव है। वे इधर उधर देखते हैं और ये देखते हैं कि उस नाव का मल्ला थोड़ी दूरी पर एक कुटिया में बैठा हुआ है। वे कुटिया में बैठे मल्ला को आवाज लगाते हैं, बोलते हैं, हे केवट, बाहर आओ। भगवान की आवाज सुनकर केवट बाहर आता है। भगवान केवट से बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही सौम्यता से निवेदन करते हैं कि हे केवट, हमें कृपा कर गंगा पार ले चलो। केवट ने आज तक इतना प्रेम पूर्वक, इतना आदर पूर्वक निवेदन कभी नहीं सुना था। आज तक तो हर पारी केवट को नीची जात का समझकर लोगों ने आदेश दिया था। आज इतना सौम्य निवेदन सुनकर केवट की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि जो व्यक्ति उसके समक्ष खड़ा है, वह तो नर के रूप में स्वयं नारायण है। केवट ने भगवान राम के सामने हाथ जोड़े, बोला, हे भगवान, मैं आपको गंगा पार नहीं ले जा सकता। भगवान राम बोले, क्या हुआ केवट, तुम हमें गंगा पार क्यों नहीं ले जा सकते? केवट बोला, हे भगवान, मैं आपका मर्म जान गया हूं। मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। मैं जान गया हूं कि आप वही अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जिनके चरण कमलों की धूल से पत्थर की शिला भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई थी। और मेरी नाव तो फिर भी काठ की है भगवान। अगर यह नाव एक नारी में परिवर्तित होगी, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? और यदि अगर ये नाव भी एक नारी में परिवर्तित हो गई, तो मुझे इसका भी पेट पालना पड़ेगा, इसका भी पालन पोषण करना पड़ेगा, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा भगवान? इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपको गंगा पार नहीं ले जा सकता। तो श्री राम थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने केवट से पूछा कि केवट, कोई और उपाय है, कुछ और किया जा सकता है? तो केवट बोला, जी भगवान, किया जा सकता है ना, मैं आपके पैर धो देता हूं, मैं आपके पैरों को इतना अच्छे से साफ कर देता हूं कि कोई धूल ना रहे, फिर आप आराम से नाव में बैठना और मैं आपको गंगा पार करा दूंगा। अब श्री राम थोड़ा हिचकिचाए, वे थोड़ा झिझक रहे थे। तो उन्होंने पूछा, फिर कोई और रास्ता भी है? तो केवट बोला, जी भगवान, थोड़ी दूरी पर पानी थोड़ा उछला है, कमर तक आता है, आप वहां से चले जाइए। तो श्री राम बोले, ठीक है, वहां ले चलो। तो केवट बोला, भगवान, अभी तो सुबह हो रही है, लोग आते जाते रहते हैं, आपको मैं शाम को ले जाऊंगा। श्री राम ने सोचा कि अब मैं कहां शाम तक यहाँ पे हम इंतजार करेंगे जंगल में। तो केवट, तुम पैर धो लो मेरे,
अब केवट को यह सुनके उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दो जन्मों की कड़ी तपस्या, दो जन्मों का धैर्य आज फल आ रहा था। केवट ने उत्साह बहुत उत्साह से अपनी पत्नी को बुलाया, बोला एक परात लेकर आओ। उसकी पत्नी भी खुशी में भागी भागी एक परात लेकर आई। उसने गंगा में से फटाफट पानी भरा और श्रीराम के पैर धोने लगा और बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीराम के पैर धो रहा था। परंतु केवट श्रीराम के पैरों को ऐसे उठा के धो रहा था ताकि वो उनके पैरों को नीचे से अच्छे से साफ कर पाए। अब कोई भी आपके पैर को यूं उठा लेगा तो आप भी थोड़ा डगमगाओगे, थोड़ा हिलोगे। श्रीराम भी इसी तरह हिल रहे थे, डगमगा रहे थे। तो श्रीराम ने बोला कि केवट अगर तुम ऐसे मेरे पैर धोगे तो मैं तो गिर जाऊंगा। तो केवट ने बोला कोई बात नहीं भगवान, आप अपने हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। अब केवट की चतुराई देखिए, भगवान के पैर भी धो रहा था और सर पर हाथ रखवाकर आशीर्वाद भी ले रहा था। तो अब केवट ने बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ही भक्ति भाव से भगवान के पैर धोए और आदर पूर्वक उन्हें नाव में बिठाकर गंगा पार कराई। अब गंगा पार कराने के बाद भगवान राम थोड़ी चिंता में थे, वे थोड़ा हिचक रहे थे, थोड़ी उनको अशांति थी उनके मन में। माता सीता एक बात समझ गई कि भगवान राम को किस बात की चिंता है। वे समझ गई कि भगवान राम के पास केवट को नाव में गंगा पार कराने के बदले देने को कुछ नहीं है। तो माता सीता ने बहुत ही खुशी से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी निकालकर भगवान राम को दे दी और बोला कि आप इस अंगूठी को केवट को दे दीजिए। अब भगवान राम केवट को अंगूठी देने को गए, परंतु केवट ने हाथ जोड़ दिए, साफ मना कर दिया कि मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता भगवान, मैं आपसे कैसे कुछ ले सकता हूं, जब आप भी मल्हा मैं भी मल्हा, हम दोनों तो बराबर है ना। अब भगवान राम तो ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, परंतु लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले क्या बोल रहे हो, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजकुमार और तुम एक केवट एक बराबर है, तुम जानते भी हो कि क्या बोल रहे हो। पर केवट ने बड़ी शांति से बोला कि जी भगवान, मैं जानता हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं लोगों को गंगा पार कराता हूं उसी प्रकार आप लोगों को भवसागर पार कराते हो। आज आप मेरे तट पर आए हो तो मैंने आपको गंगा पार करा दी, जब मैं आपके तट पर आऊंगा तो आप मुझे भवसागर पार करा देना। इसी के साथ केवट ने भगवान राम को प्रणाम किया और भगवान राम ने अपने सफर पर आगे बढ़ गए। इसी के साथ मैं आप अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आप सब गुणीजनियों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरी यह प्रस्तुति सुनी। आशा करता हूँ आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई। नमस्कार, जय श्री।